पेंडिंग सी ओ प्रोसीडिंग जड़ियां ने अटेंड कीतियां ने। सो हुण जिहड़ी अगली डेट आ 31 मार्च कोर्ट दे निश्चित कीती है। एक प्रक्रिया होंदी है जी, उस दे तहत जिहड़ा कंप्लेनेंट हुंदा उहने अपने विटनेस अपने गवाह जिहड़े पेश करने हुंदे ने, जिन्होंने अपने आप नूं कंप्लेनेंट साहब ने गवाह अपने बतौर गवाह वो पेश होए ने, थोड़ा जिहा क्रॉस एग्जामीनेशन होया, जिहड़ा बचदा क्रॉस एग्जामीनेशन आ जिहड़ा वो डैफर होया कोर्ट ने अगे पाया गया। सो नैक्सट डेट ते क्रॉस एग्जामीनेशन होगा। सरकार दा 1 साल पूरा होया जी? बिल्कुल, अज सरकार दा 1 साल मान, बहुत बड़ियां प्राप्तियां सरकार दियां ने गियां। पहली सरकार आ जिन्हें सरकार बनन दे विदिन पहली कैबिनेट मीटिंग सी जिहड़ी, उहदे विच ही 26,000 नौकरियां पंजाब दे नौजवानां लई इश्तिहार जारी किया, एडवरटाइजमेंट जिहड़ी आ इशू कीती सी, अलाउ कीती सी उस दिन कि 26,000 नौकरियां पंजाब देवांगे। पहली गवर्नमेंट आ जिन्हें अपना पहला वड्डा वादा कि 300 यूनिट फ्री ऑफ कॉस्ट पंजाब के लोगों को वादा किया, साडे सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल जी ने, पंजाब के मानयोग मुख्यमंत्री सर भगवंत सिंह मान ने, जो इलैक्शन पंजाब हो रही थी वादा सीगा कि 300 यूनिट असी हरेक घर मुफ्त बिजली देवे, वो वादा सी पहले 3 महीनों पूरा करके एक मैं समझा इतिहासक मील पत्थर कढ़िया सी पंजाब दे, नहीं तो 4 साल बाद सरकार काम कर दियां नेगियां। साडा एक गरंटी सी दूसरी कि जेकर साडा सैनिक भरा कोई देश के लिए कौम के लिए शहीद हो जाता तो असी 1 करोड़ रुपया सन्मान राशि उसके परिवार को देवे, वो जिहड़ा फैसला सी विदिन 1 मंथ जिहड़ा हैगा लागू हो चुका सीगा। इस विच पूरी तरह एक मुहिम जी सरदार भगवंत सिंह मान जी की अगुवाई जारी आ, बड़े बड़े भ्रिष्टाचारी जिन्हां ने पंजाब भ्रिष्टाचार किया जेलों में सलाखों के पिछे बद ले गए, इस तो बिना जिन्हां जिन्हां रसूखदार लोगों ने बड़े बड़े लोगों ने जमीन सरकारी जमीन के उत्ते कब्जे किए हुए थे, नजायज़ कब्जे किए हुए थे, वो लगातार असी छुड़ाने की मुहिम जी पहले महीने शुरू हो चुकी थी। लगभग 90,000 हैक्टेयर तो उपर जिहड़ा हैगा कब्जा पंजाब के अंदर छुड़ाया गया है। सो मेरा कहण का भाव आ वड्डे पद्धर के उत्ते पंजाब के अंदर जो काम ने सरदार भगवंत सिंह मान जी की अगुवाई हो रहे हैं, जिमें गाउन लग जा बहुत लंबा समा लगेगा। सो पहली सरकार आ जिन्हें अपने पहले साल का जो रिपोर्ट कार्ड आ लगभग बहुत सारिया गरंटियां, लगभग नंबर ऑफ गरंटियां जिहड़ियां अरविंद केजरीवाल जी ने सरदार भगवंत सिंह मान ने ड्यूरिंग द इलैक्शन दित्तियां सी पंजाब के लोगों को, असी पूरियां कीतियां नेगियां। सो आने वाले समय के इस जिहड़ा काम आ इसे तरह जारी रहेगा और पंजाब नूं नंगरा पंजाब बणावांगे। सर, एक गरंटी 1,000 रुपए महिलाओं लई? बिल्कुल, एक गरंटी रहेगी खास तौर पर महिलावां दी, यह भी बड़ी जल्दी असी पूरी करांगे, पर लेकिन होर बहुत सारिया गरंटियां सी पंजाब दे अंदर, नहीं तो पुरानी सरकारां 4.5 साल बाद अपनियां प्राप्तियां गिणाउंदियां सी, 4.5 सालों बाद मीडिया नूं मुखातब हुंदियां सी, असी तां पहले साल ही दस रहे हां कि असी जिन्नियां गरंटियां दित्तियां सी उस चों मैक्सीमम गरंटियां जिहड़ियां ने उह पूरियां हो चुकियां ने। गरंटी बिल्कुल बचती है, वह भी पूरी करांगे। देखो नशियां दे अगेंस्ट पहली बार आ कि सब तो वध सिकंजा जिहड़ा उह नशियां दे अगेंस्ट कसया गया गा। सो पंजाब विच बिल्कुल पंजाब नूं नशा मुक्त बनाउणा गा, इहदे लई मुहिम जिहड़ी आ साडी सरकार दी। लॉन्ड आउट दी गल कर लईए, मानसे च इक 6 साल दे बच्चे दा कतल होया सर, लॉन्ड आउट नूं बिल्कुल उह कोई निजी रिवैलरी दे कारण जिहड़ा हैगा मर्डर होया गा, उस बच्चे दा बिल्कुल दुख आ सानूं इस गल दा, पर लेकिन दोषी जिहड़े नेगे उह बड़ी जल्दी जिहड़े ने पुलिस दे नेट दे अंदर ने। ਸਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਐਕਟਿਵ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਦੇ ਬਖਸ਼ ਰਹੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡਿਆਂ ਨੇ ਜੇਕਰ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਆ, ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਰੂਗਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਊਗਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਨਮ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਉਭਰੀ ਇੱਕ ਲਹਿਰ 'ਚ ਹੋਇਆਗਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਗਾ ਕਿ बहुत बड़ी लहर उभरी से उस आम आदमी पार्टी का जन्म होया, भ्रिष्टाचार नूं खत्म करना साडा सब तो बड़ा मोटिव आ। चीमा साहब, जिस तरह पंजाब सरकार ने NOCD पॉलिसी जी पिंडां दे विच काफ़ी हद तक खत्म करने की गल की है, कि वो सारे पंजाब पे लागू होएगी? बिल्कुल, NOCD पॉलिसी लगभग तैयार आ, विद इन 10 डेज जिहड़ा हैगा लगभग 10 या 12 दिन के अंदर वो लागू हो जूगी, और NOCD की जी समस्या की जी मानयोग अदालत जी ऑनरेबल अदालत वालों शुरू की गई सी, हाई कोर्ट वालों ऑर्डर जारी किए गए सी कि पंजाब के अंदर हज़ारा ही इलीगल गैर कानूनी कलोनिया जिहड़ियां बच चुकियां ने, जिन्हां विच बेसिक सहूलत नहीं होंदियां, जिहड़े रसूखदार लोग ने वड्डे वड्डे कलोनिया कट के वेच चले जांदे ने, लोगों को प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, उस हाई कोर्ट के ऑर्डर सके, पर लेकिन वो सारी समस्या का हल जिहड़ा हैगा सरदार भगवंत सिंह मान जी दी हिदायतां दे मुताबिक हो चुका है, बड़ी जल्दी जी पॉलिसी अनाउंस करनी। पॉलिसी लेके ठेकेदार कितना कितने नाखुश है सर, कहते हैं सोच रहे थे नवी सरकार नवी पॉलिसी लेके आई। नवी पॉलिसी आने के नाल पंजाब के अंदर 45% फर्स्ट पॉलिसी आ कि 45% जिहड़ा हैगा रेवेन्यू का इजाफा होयागा,
45% रेवन्यू बढ़िया गया। पहला 6,000 करोड़ के लगभग सेगा, हुण बढ़ के वह 9,000 करोड़ रुपया लगभग होया, क्योंकि लास्ट किस्त आनी बाकी है। पहली पॉलिसी है जिन्हों असी रिन्यू किया गया और बगैर कोई जी टेंडरिंग प्रक्रिया जी कल शुरू हुई है, अज पहला दिन है, कल दो दिन हजे होर चलनी है टेंडरिंग प्रक्रिया पर। लेकिन बहुत सारे व्यक्तियों ने रिन्यू 70% तो उपर, जे पुराने ठेकेदार सी और 70% तो उपर ने रिन्यू किया गया। बहुत बड़ी सक्सैस है इस पॉलिसी की। जिहड़े आम जिवें दुकानां दे उपर ठेके दे विच शराब विकने दी गल कीती, नहीं नहीं, वो गलत झूठा प्रोपोगंडा अपोजिशन पार्टियां सरकार नूं बदनाम करन लई जिहड़ियां करदियां ने गियां, हमेशा नोटिफिकेशन जारी हुंदे ने गे, हर बैंड दा नोटिफिकेशन जारी हुंदा गा, वो बिल्कुल एक झूठ दा पलंदा जारी कीता गा। बिल्कुल प्रधान जी मेरे नाल बैठे ने गे, प्रधान जी मैं तो बेनती करूँगा प्रधान जी के अपने हाईकोर्ट के मानयोग जज साहब नाल गल कर लैन, जिन्हें भी फंडा की जरूरत होगी सरकार हाजिर है जी। धन्यवाद।